मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ दो दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आए हैं। इस दौरान शिकारपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक में कांग्रेस के दो बड़े नेता आपस में भिड़ गए। आलम यह था कि बहस के दौरान ही नेता एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। शिकारपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि मंच पर बैठे हुए थे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहारा भी मंच पर आकर बैठ गए। इस पर परासिया विधायक ने संजय पुनहार के मंच पर बैठने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पुनहार भाजपा में शामिल होने जा रहे थे, कांग्रेस को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों नेताओं में बहस शुरू हो गई। तभी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दोनों नेताओं को बुलाया और समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। ये संख्यात्मक बैठक थी। अब लोकसभा के बाद में कमलनाथ जी ने हर विधानसभा क्षेत्र की कार्यकर्ताओं की बैठक रखे थे, जिसमें आज परासी विधानसभा की कार्यकर्ताओं की बैठक थी और उस बैठक में संख्यात्मक चर्चा चल रही थी। तो मैंने भी अपनी बात रखा माननीय कमलनाथ जी के सामने कि अब लोकसभा चुनाव होने के बाद में कार्यकर्ताओं में निराशा थी, हताशा थी, तो अब नए सिरे से हम लोगों को मजबूती से सबको काम करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। मगर ये बात जरूर मैंने कमलनाथ जी से कहा कि कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं कि जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी से संपर्क में हैं और वो बीजेपी में बड़े बड़े पद में कांग्रेस में हैं और बीजेपी में जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर बीजेपी नहीं ले रही है, जिसके कारण फिर वो कांग्रेस में आकर फिर वो अपना स्थान बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग को चिन्हित किया जाए कि उनकी जगह स्थान निश्चित किया जाए कि जो ऐसे मौके में हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा है तो कांग्रेस में क्या उनका स्थान होगा, क्या उनकी जगह होगी। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निष्ठावान कार्यकर्ता कौन है और स्वार्थवर्ध जो कांग्रेस से जुड़े हैं वो लोग कौन हैं। बस इसी लेको क्योंकि थोड़ा मामला था तो कुछ लोगों को बुरा लगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।